हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार सर। स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर पेनियर बाई में एक नई अपडेट आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर IIBF सेंटर करके कुछ आया हुआ, तो क्या है इसका मतलब और क्यों ये आया हुआ, इसी के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। और ये अब अगर काम नहीं करते तो आपको क्या इसमें प्रॉब्लम होगा, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि इस तरह नए वीडियोस में आप तक लाता रहो। चलिए दोस्तों, मैं पेनियर बाय के पहले एप्लीकेशन में चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कि वो क्या नया ऑप्शन आया हुआ है और कैसे ये ऑप्शन का क्या काम है। चलते हैं हम अपने पेनियर बाय के एप्लीकेशन में। तो दोस्तों, हमने पेनियर बाय का ये एप्लीकेशन को जो लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं दोस्तों, IIBF एग्ज़ाम सेंटर। देख सकते हैं ये क्यों दिया हुआ है, इसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लोकेशन खुल जाता है IIBF एग्ज़ाम सेंटर करके। अब यहाँ पर पिन कोड से भी आप सर्च कर सकते हैं एंड आपके अगल बगल में जितना भी IIBF एग्ज़ाम सेंटर है वो दिखा रहा है। अब क्यों दिखा रहा है दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर मेरा लोकेशन, यहाँ पर काफ़ी सारे IIBF का एग्ज़ाम सेंटर है जो कि दिया हुआ है पेनियर बाय पे। अब यहाँ पर क्यों यह दिखा रहा है ये मैं बताता हूँ दोस्तों। आपने देखा यहाँ पर IIBF एग्जाम सेंटर करके, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पर मैप खुल गया। अब यहाँ पर इसीलिए दिया गया है दोस्तों कि आप सभी को मालूम होगा कि पेनियर बाय में एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग जो सर्विस लाइव है, जिसका आप सब्सक्रिप्शन लेके अकाउंट ओपनिंग का काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो RBI या NPCI और साथ ही साथ पेनियर बाय ने ये भी रूल लगाया है कि दोस्तों, जो भी लोग अकाउंट ओपनिंग का सर्विस लेगा उनके पास IIBF का एग्ज़ाम होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि कहाँ पर ये IIBF सेंटर, मेरे को मालूम नहीं है, कैसे मैं एग्ज़ाम दूंगा, इसके बारे में कोई उनको नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग फ्रॉड का भी शिकार हो रहे थे। कोई भी ग्रुप वगैरह में आप ज्वाइन कर जाते थे, वहाँ से मैसेज आता था और उनको आप पैसा दे के फ्रॉड का शिकार हो जाते थे। इसीलिए ये सब देखते हुए पेनियर बाय ने क्या किया कि अपने जो है एप्लीकेशन में ही जो है IIBF का जो सेंटर होता है, जहाँ जहाँ चल रहा है उनका आपको लोकेशन वहाँ पर दे दिया। अब इससे आपको पता चल सकता है कि आपके कितनी दूरी पर IIBF का एग्ज़ाम सेंटर है और वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एग्ज़ाम भी सेम उसी सेंटर पर आप दे सकते हैं, जिससे कि आपको क्या होगा कि एक तो पैसा का बचत होगा, दूसरा आप फ्रॉड से बचेंगे। जी हाँ दोस्तों, फ्रॉड से इसलिए बचेंगे दोस्तों क्योंकि आप जिसको जिसको पैसा दे देंगे और आपको तो उसको जानते हैं नहीं, ऑनलाइन का समय है और पैसा मंगाने के बाद आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो यहाँ पर एक तो पैसा का बर्बादी हो रहा है, दूसरा फ्रॉड हो जा रहा है आपके साथ। लेकिन जब यहाँ पर आपको लोकेशन मिल जाता है लाइव की इस जगह पर जो है IIBF का एग्ज़ाम सेंटर है, तो डायरेक्ट ही आप उस सेंटर पर जा सकते हैं लोकेशन के माध्यम से एंड वहाँ जाके अपना IIBF का एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और हम यहाँ पर एग्ज़ाम भी आप दे देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है और यहाँ पर जो भी लोग अकाउंट ओपनिंग का काम कर रहे हैं या फिर APS या बैंकिंग चला रहे दोस्तों, तो उनको नॉर्मली आज के समय में IIBF का एग्ज़ाम देना जरूरी है, तभी जाके वो बैंकिंग का काम करे। अन्यथा किसी भी तरह का कार्रवाई होता है तो सबसे पहले आपसे IIBF का एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट मांगा जाता है दोस्तों, जहाँ पर आप फंस सकते हैं और फिर आप पे कुछ भी कुछ कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो में समझ में आया होगा कि यहाँ IIBF एग्ज़ाम सेंटर देने का क्या कारण है दोस्तों, और इससे आप अपने लाइव लोकेशन पर ही पता कर सकें कि IIBF का एग्ज़ाम सेंटर किस जगह है और वहाँ जाके आप एग्ज़ाम दे सकेंगे आसानी से। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।